नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती 2021 के अंडर राजस्थान जीके का 9वां लाइव टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया वीडियो जैसे अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर उसके प्रतीत के साथ उसकी पत्नी चितारोहण करती है, यह प्रथा क्या कहलाती है? अनुमरण प्रथा, सती प्रथा, त्याग प्रथा या जौहर प्रथा? साथियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आपको 10 सेकंड के दौरान अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर होगा साथियों ए, अनुमरण प्रथा। पति की जब मृत्यु हो जाती है तो किसी अन्य जगह पर उसके किसी प्रतीत के साथ उसकी जब पत्नी जो होती है वो चितारोहण करती है, तो यह प्रथा आपके अनुमरण प्रथा कहलाती है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सांगोद जो कि कोटा के अंदर आ रहा है, सांगोद का प्रसिद्ध है नहाना, खेलिया, हेला या फिर ख्याल? सभी अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। सांगोद का प्रसिद्ध क्या है, नहाड़, खेलिया, हेला या ख्याल? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर होगा आपका ए, नहाड़। कोटा या सांगोद का जो प्रसिद्ध है वो है आपका नहाड़। ठीक है, तो यहां पर दूसरे प्रश्न का ए वाला उत्तर आपका सही होता है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? त्याग प्रथा, कन्या प्रथा, डाकन प्रथा या फिर समाधि प्रथा? तो अपना आंसर सभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहें। तो देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। जिन्होंने उत्तर दिया है क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर होगा आपका बी, कन्या वध प्रथा। ठीक है, हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट है विल्किंसन जिनका नाम है, उनके प्रयास के थ्रू जो है कन्या वध जो प्रथा है उसके ऊपर जो है रोक लगाई गई थी। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का बी वाला उत्तर आपका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भोपाल सिंह या फिर महाराणा स्वरूप सिंह? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए सभी। तो देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर होगा साथियों आपके डी, महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा जो है उसके ऊपर रोक लगाई गई थी। तो चौथे प्रश्न का डी वाला आंसर जिन्होंने दिया है आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से सन 1853 ईस्वी को मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? विल्किंसन, टॉम्स मोर, जे सी ब्रुक या फिर लुडलो? अपना आंसर सभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखिए, पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पांच के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों सी, जे सी ब्रुक। जे सी ब्रुक एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके प्रयासों से सन 1853 को मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर पांच का सी वाला उत्तर आपका सही होता है। छह नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उदय शाही, अमर शाही, अर्शी शाही, भीम शाही एवं स्वरूप शाही इत्यादि क्या है? शराब के प्रकार, पगड़ियों के प्रकार, पोशाकों के प्रकार या फिर आभूषणों के प्रकार? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों बी, पगड़ियों के प्रकार हैं उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही और स्वरूपशाही। ये सारे के सारे जो हैं आपके पगड़ियों के प्रकार हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? पचरंग पाग, मोठड़ा, लहरिया और चूनड़। तो लिखिए अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए सातवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपके डी, चूनड़। ठीक है, यहां पर डी वाला उत्तर आपका सही होता है साथियों। चूनड़ जो है राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो सातवें के अंदर डी वाला उत्तर आपका सही होता है। आठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कहलाता है आत्मसुख, पटका, चोगा या कुर्ती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, पटका। जामा और अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे पटका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पटका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9वे की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? अंगरखी, पटका, आत्मसुख या जामा। तो देखिए यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा साथियों आपके ए, अंगरखी। शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उसमें कमर पर या घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र जो होता है वो होता है आपके अंगरखी। ठीक है, तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का आपके ए वाला उत्तर सही होता है। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 9वें प्रश्न था, सॉरी 10वां प्रश्न अब आपके सामने है। तारा भात की ओढ़नी ओढ़ती है राजपूत महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, जाट महिलाएं या बी व सी दोनों। तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी व डी दोनों। आदिवासी महिलाएं और जाट महिलाएं दोनों जो हैं तारा भात की ओढ़नी ओढ़ती हैं। तो 10वें के अंदर आपका डी वाला उत्तर सही होता है साथियों। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? हंसली, तिमणिया, हथपान या चंपाकली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके सी, हथपान। हथपान आभूषण जो है महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। तो 11वें प्रश्न का सी वाला उत्तर आपका सही होता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है, कलाई पर, कान में, नाक में या फिर पैर में। आपका आंसर नीचे सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए 12वें प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपके ए, कलाई पर। महिलाओं द्वारा जो गोखरू आभूषण होता है वो आपके कलाई पर पहना जाता है। तो 12वें का ए वाला उत्तर आपका सही होता है। ठीक है, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास आ रहा है। भांड जाति का संबंध है कठपुतली कला से, बहुरूपिया कला, काष्ठ कला या फिर मथेरण कला। आपका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो
देखिए 13 प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपके एक कठपुतली कला। भांड जाति का जो संबंध होता है साथियों वो आपके कठपुतली कला से होता है। तो 13वें का ए वाला उत्तर आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14वें की ओर बढ़ते हैं। लंगा व मांगणियार जातियों का संबंध रहा है लोक गायकी से, मृण कला से, वीर कला से या जादू कला से। अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए 14वें प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। जिन्होंने कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखा है सभी अपने उत्तर को मैच करें। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों ए लोक गायकी से। लंगा व मांगणियार गायकी जो है, मांगणियार जातियां जो है वे, उनका संबंध जो है आपके लोक गायकी से माना जाता है। तो यहाँ पर 14वें प्रश्न का ए वाला उत्तर सही होता है। 15वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है? कंठी, चंद्रहार, तिमणियों या मैमंत। आंसर नीचे लिखते रहें सभी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा साथियों डी मैमंत। मैमंत जो होता है आभूषण वो स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला उत्तर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही होता है। 16 प्रश्न है मौताना का संबंध है जनजातीय संस्कृति से, संत साहित्य से, लोक जीवन से या फिर राजस्थानी साहित्य से। अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मौताना का संबंध क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो आपका समय था समाप्त हो चुका है और इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ए जनजातीय संस्कृति से संबंधित है। मौताना एक प्रकार की प्रथा है, मौताना प्रथा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जनजातीय संस्कृति से संबंधित है। 17वां प्रश्न देखिए पुडला, गुड़चड़ी, तोरण, कन्यावल, डेरा, पड़जान इत्यादि शब्दों का संबंध किस से है? विवाह, जनेऊ, संस्कार या संस्कार, जात जंडूला या फिर सगाई। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। तो देखिए 17वें प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए विवाह। उड़ला, गुड़चड़ी, तोरण, कन्यावल, डेरा, पड़जान आदि शब्दों का जो संबंध है वो विवाह से संबंधित है। तो चलिए साथियों आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न भी पुट आउट कर लेते हैं। 1900 प्रश्न है आपका पुरुषों का आभूषण क्या है? जेला, आड़, झुमरी या तागड़ी। तो देखिए 18वें प्रश्न का उत्तर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपका राइट आंसर होगा तागड़ी डी। 18वें प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा साथियों डी तागड़ी। तो यहां पर साथियों हमारी आज की जो टेस्ट सीरीज थी वो समाप्त हो चुकी है। और आपको आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी है? अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर। धन्यवाद।